हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल सुंदर बेल क्लासेस। आइए हमारे साथ हम लोग मिलकर पढ़ेंगे। और पीछे जस्ट पीछे इसके हमने जो वीडियो अपलोड किया, हमने उसमें आपके साथ हमने हम लोगों ने मिलकर किया 4.4 एनसीईआरटी डिटरमिनेंट्स माइनस एक को फैक्टर्स का क्वेश्चन था आपका। मैंने एक 4.4 का फोर्थ क्वेश्चन हमने करवाया जो थोड़ी सा लेंदी था, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था। और जितने भी क्वेश्चन उसमें हैं वो सारे आसान हैं, छोटा छोटा है, जो बताने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो हमने वीडियो उससे पहले जो अपलोड कर रखा है, पूरी इंट्रोड्यूस करा रखा हमने, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो सारी कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। प्ले लिस्ट में जाकर प्ले लिस्ट से हमारे वीडियोज़ को देखेंगे, पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी कुछ अगर प्रॉब्लम आती है, दिक्कत होती है, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, कमेंट्स करके जो आपको प्रॉब्लम होगी वो मैं उसको आपको क्लेरिफिकेशन दूंगा, सॉल्व करूंगा मैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा वीडियो मैं जो कराने जा रहा हूँ, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड इनवर्स, इसकी प्रॉपर्टीज, इसको इंट्रोडक्शन दूंगा मैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज और जितने इसके थियोरम्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो मैं आपको बताऊंगा पूरी प्रूफ के साथ कि कैसे इसको प्रूफ करते हैं वो देखिए। इसके बाद इसे मैं कराऊंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड में, इस बोर्ड में सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड अदर बोर्ड्स में इसके क्वेश्चन आते रहे हैं, पेपर में हमेशा आता रहा है, वो ध्यान दीजिए। मैं इसका शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊँगा। और मैं ये भी बता दूँ आपको कि इन्वर्स निकालना, एलिमेंट्री ऑप्शन तो आपको पता है कि मैट्रिक्स में था, वहाँ भी मैंने बता रखा है उसका ट्रिक्स और कैसे स्टेप्स मैंने करा रखा है। और मैं इन्वर्स आपको एडजॉइंट के थ्रू जो फाइंड करते हैं, शॉर्ट ट्रिक सॉल्यूशन भी विद इन फाइव सेकंड्स में सॉल्यूशन मैंने बता रखा करने के लिए। आप मेरे प्ले लिस्ट में जाइए और जब एमसीक्यू क्वेश्चन चाहते हैं एंट्रेंस में, जेई मेंस में या फिर अदर कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं, तो आप विद इन 5 सेकेंड्स, जिसको करने में 5-7 मिनट्स लगते हैं, इसको 5 सेकंड में कर सकते हैं आप। मैंने बता रखा है, आप प्ले लिस्ट से आप जाकर आप वहाँ स्टडी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे अभी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान दीजिए यहाँ पर, आइए हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पहले पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, हमने लेट किया जनरल फॉर्म में कि हमारे पास ए है, ठीक है। ए क्या है हमारे पास, तो एक मैट्रिक्स है जो जनरल फॉर्म में, जो स्टार्टिंग से हम पढ़ते आ रहे हैं मैट्रिक्स में, a11 a12 a13, a21 a22 a23, a31 a32 एंड a33। जान दीजिए ये डिटर्मिनेंट नहीं, जान दीजिए ये मैट्रिक्स है, क्योंकि हम जो एडजॉइंट इनवर्स जो पढ़ते हैं वो मैट्रिक्स के ही पढ़ते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेशन यानी डिटरमाइन का मतलब क्या होता है, वैल्यू फाइंड करना होता है, इसलिए यहाँ डिटरमाइन यानी डिटर्मिनेशन या डिटर्मिनेंट यहाँ हम नहीं कहेंगे, यहाँ सिर्फ मैट्रिक्स कहेंगे यहाँ पर, ओके। जान दीजिए यहाँ पर, तो इसमें करना क्या है कि आपका एडजॉइंट होता क्या है वो जान दीजिए। यहाँ पर क्या होता है एडजॉइंट, उसको आप देखिए, यहाँ पर एडजॉइंट इस शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं और आप यहाँ लिखिए ए, क्योंकि ए का फाइंड करना है। तो क्या करना होता है, ये होता क्या है ये, तो आप वो देखिए क्या होता है, ये होता है ट्रांसपोज ऑफ क्या, को फैक्टर्स। ध्यान दीजिए को फैक्टर्स, जी बस यही है, ट्रांसपोज ऑफ क्या है, को फैक्टर्स हैं। आपको मैं आंसर यहाँ लिख दूं कि जब ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर्स हैं तो होता क्या है वो ध्यान दीजिए। आइए c11, क्योंकि आप जब इसका को फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो आप ए से डिनोट करो कैपिटल ए, ये तो एलिमेंट्स हैं, या c से डिनोट करते हैं को फैक्टर, जो हमने पीछे बता रखा है आपको। चलिए हम इसमें c से डिनोट कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कि क्या करेंगे हमने,
ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स है ना, तो कोफैक्टर्स हमारे क्या पहले कोफैक्टर निकाले यहाँ पर, तो सी वन वन, सी वन टू, सी वन थ्री, सी टू वन, सी टू टू एंड सी आपका टू थ्री, सी थ्री वन, सी थ्री टू एंड सी थ्री थ्री। ध्यान दीजिए ये आपको सिंबल यही लगाना है क्योंकि ये हमारे पास मैट्रिक्स है यहाँ पर। और जैसे ही इसको आप जो आप एडजॉइंट फाइंड कर रहे हो ना, आप तो एडजॉइंट ये जैसे लिखेंगे आप इसको, जो हमने ट्रांसपोज हमने लिखा था बाहर है ना, ध्यान दीजिए यहाँ पर, यहाँ जो ट्रांसपोज था ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स, तो इसको हम क्या कर देंगे, अब ट्रांसपोज कर देंगे, तो हमारा आंसर जो आएगा वो आंसर देखिए यहाँ पर, आइए आप आंसर देखिए, ये आंसर होगा आपका क्या होगा, सी वन वन, ये कहाँ जाएगा सी वन टू, और ये कहाँ जाएगा सी वन थ्री, फिर सी टू वन, ध्यान दीजिए, और सी कितना आ जाएगा सी थ्री वन, सी टू टू यहाँ रहेगा और यहाँ पर सी थ्री टू आ जाएगा, समझ रहे, और यहाँ पर क्या आएगा ये यहाँ आ जाएगा टू थ्री, और ये डायगोनल यानी जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है वो सेम रहता है, आप ये शुरू से पढ़ते आ रहे हैं है ना। ये मैंने ट्रांसपोज कर दिया क्योंकि आप जानते हो रोज कॉलम्स में और कॉलम्स रोज में चेंज होता है जी। तो आपका ये जॉइंट यही है जी कि आपका जो मैट्रिक्स गिवन है इस तरह से, उसको पहले आप माइनर्स निकालेंगे, माइनस निकालने के बाद एलिमेंट्स माइनस निकालने के बाद कोफैक्टर्स निकालेंगे, और कोफैक्टर्स जो आएगा उसको ट्रांसपोज करिए, वो आपका एडजॉइंट फाइंड हो चुका है। ठीक है, तो आइए मैं टू कर्स टू जो आपका मैट्रिक्स होता है उसका मैं छोटा सा ट्रिक्स है आपको, वो मैं अगले नेक्स्ट पेज पर करा रहा हूँ और एग्जाम्पल लेकर मैं इसको समझा रहा हूँ। आइए नेक्स्ट पेज पर, इसमें हमने कुछ एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि मान लीजिए हमने फाइंड करना है एडजॉइंट ए है ना, और हमारे पास गिवन क्या है जान लीजिए, ए वन वन, ए वन टू, और यहाँ पर क्या होगा ए टू वन, और क्या होगा ए टू टू है ना, ये है ना। ठीक है, अब देखिए ये तो अभी हमने जो लिया है ये हमारे पास एलिमेंट है ना, ये हमारे पास क्या है ये एलिमेंट है, इसको हमने एडजॉइंट फाइंड करना है, ये हमारे पास ए अभी आप ए लिख चलिए कि ये हमारे पास अभी इसको कट करिए, ये सिर्फ हमारे पास क्या है अभी ये ए है ना। तो क्या करना है हमने इसको एडजॉइंट जब हम फाइंड करेंगे यहाँ पर एडजॉइंट ए करेंगे हम, तो क्या करना है आपको पता है, कोफैक्टर्स निकालेंगे और कोफैक्टर्स निकाल के उसको ट्रांसपोज करेंगे जो पीछे हमने बताया अभी, लेकिन यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं कैसे, तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये जो है आपका है ना, ये जो डायगोनल है जिसको प्रिंसिपल डायगोनल कहते हो आप, और ये तो आप जानते होंगे कि जितने भी एडजॉइंट और जो इन्वर्स फाइंड करते हैं है ना, वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड होता है, रेक्टेंगुलर का। अगर कोई पूछे कि कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसका हम इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते, तो आपको बताना है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस का इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस टू क्रॉस टू हो, थ्री क्रॉस थ्री हो या इससे आगे हो फोर क्रॉस फोर, लेकिन हमारा सिलेबस में थ्री क्रॉस थ्री तक ही है। तो देखिए क्या करना है, ये जो आपका है ये इंटरचेंज करना है, ये यहाँ जाएगा और यहाँ का एलिमेंट यहाँ जाएगा, यानी मैं यहाँ लिख दूँ आपको कि ये जो आप करना है इसको इंटरचेंज करना है, क्या करना है जी इंटरचेंज करना है। ठीक है, और ध्यान दीजिए ये जो एलिमेंट है ये जो है ठीक है, ये जो आपका है इसे क्या करना है, तो सिर्फ इसका साइन चेंज करना है, ये तो पूरा इंटरचेंज करना था लेकिन सिर्फ साइन चेंज करना है, क्या करना है जी चेंज करना है, क्या चेंज करना है तो चेंज द साइन। ठीक है, सिर्फ साइन चेंज करना है, अगर ये एलिमेंट प्लस में तो माइनस कर दो, यहीं पर लिखना वही है लेकिन सिर्फ प्लस है माइनस, या माइनस है प्लस कर दो, यहाँ भी माइनस अगर है तो प्लस कर दो या प्लस तो माइनस कर दो, बस ये छोटी चीज़ करना है। और मैं अब इसका आंसर ध्यान दीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ क्या आंसर आएगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये लीजिए आपका आंसर कि ये टू टू ये जो था यहाँ आ जाएगा टू टू, ठीक है, और ये अगर प्लस में है तो यहाँ माइनस रहेगा, रहेगा वन टू यहीं पर ये माइनस हो गया, और ये भी माइनस में हो जाएगा, ये ऐसे अगर प्लस में था तो
अगर माइनस है तो प्लस हो जाना है, और यहाँ पर ये वन वन ये आ गया जी, ये आपका एडजॉइंट ये फाइंड हो गया, यानी ये आपका कोफैक्टर भी फाइंड हो गया और ट्रांसपोज भी हो गया। आप मतलब ये एक तरह से कोफैक्टर है, हमने एलिमेंट को दिखाया है, बट जो ये एलिमेंट हमने दिखाया जिस तरह से, ये आपका कोफैक्टर हो चुका है, समझ रहे यहाँ पर। तो जब टू क्रॉस टू का हो तो इस मेथड से आप फाइंड कर सकते हैं एडजॉइंट, समझ गए यहाँ पर। आइए अब आपके सामने ये जो मैंने बताया है, इसके आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ध्यान दीजिए। थ्योरम वन, हमारे पास एक छोटा सा एक थ्योरम है, वो ध्यान दीजिए यहाँ पर। थ्योरम आपका एक है छोटा सा, वो ध्यान दीजिए यहाँ पर। क्या कह रहा है कि ए इज स्क्वेयर मैट्रिक्स, क्या ये क्या है, स्क्वेयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ध्यान दीजिए। ये आपका जो देख रहे हैं ये जो आपका एन ऑर्डर का, एन ऑर्डर डेट मीन्स की टू क्रॉस टू हो, थ्री क्रॉस थ्री हो, जो भी हो आपका स्क्वेयर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि पता है मैट्रिक्स स्क्वेयर ही होना चाहिए, यहाँ पर रेक्टेंगल तो होगा नहीं। देन क्या होता है, देन दीजिए, देखिए यहाँ पर आपका उसमें अब होता क्या है, तो एक ये आपका आप पढ़ लीजिए, ये थ्योरम है ए एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए, और ब्रैकेट के बाहर लिखिए फिर ये मल्टीप्लाई में, यहाँ ए पहले था प्री और यहाँ पोस्ट है, इक्वल टू क्या आता है रिजल्ट, तो आपका डिटरमिनेंट ए और यहाँ पर आई, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और मैं यहाँ एन लिखता हूँ ताकि जिस जो ये आपका एन ऑर्डर था, ये दोनों एन ऑर्डर में है, तो सेम वही ऑर्डर में ये आई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होगा, समझ गए यहाँ पर। तो आपको इसको प्रूफ भी करना है, आपको पेपर में भी कई बार ऐसा आ चुका है, इस पर क्वेश्चन से आ चुके हैं इस पर, तो मैं आपके सामने जनरल फॉर्म में ही प्रूफ कर रहा हूँ। आइए हमारे सामने कि कैसे प्रूफ होगा वो आइए देखिए, और ये हम इसका प्रूफ नेक्स्ट पेज पर चलते हैं आइए, क्योंकि यहाँ पर हमने ये हमारे पास क्या था, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ओके, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू एंड ए थ्री थ्री, जान लीजिए क्या ये मैट्रिक्स है, ध्यान देना, ये डिटरमिनेंट का सिंबल नहीं लगाना है अपन ने। तो जब हम एडजॉइंट ए करेंगे क्या होगा, कोफैक्टर्स आएंगे इसका, तो हम डायरेक्ट इसका कोफैक्टर लिख लेते हैं हम यहाँ पर, ए वन वन, ए वन टू, है ना, और ऐसा करते हम कि डायरेक्ट इसको ट्रांसपोज कर दिया जाता है, कोफैक्टर फाइंड करके डायरेक्ट हम ट्रांसपोज करेंगे तो डायरेक्ट हमारा एडजॉइंट ए फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ ए वन वन, लेकिन यहाँ टू वन होता है तो यहाँ पर टू वन आना चाहिए, तो हम टू वन यहाँ डायरेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिए यहाँ पर इसको हम कट करिए, इसको यहाँ बना लेते हैं क्या, ए टू वन, ओके, और यहाँ पर आ जाएगा ए थ्री वन, यहाँ आएगा क्या ए वन टू, ए वन थ्री, ओके, यहाँ रहेगा ए टू टू, यहाँ पर क्या रहेगा थ्री टू, और यहाँ क्या रहेगा आपका ए टू थ्री, और यहाँ तो सेम वही रहेगा, ध्यान दीजिए ये हो गया। देख रहे हैं पर कि आपका इसका हमने को फैक्टर निकाला और डायरेक्ट इसको ट्रांसपोज कर दिया, तो हमने एडजॉइंट ए फाइंड हो गया है ना। अब हमें पता है कि जो हमने लेफ्ट हैंड में था उस लेफ्ट हैंड को लेना है और हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड है वो लेफ्ट हैंड क्या था, लेफ्ट हैंड आपका क्या था वो लिखिए, ए और ब्रैकेट है आपका एडजॉइंट ए, इसको लेना हमने, यानी ए और एडजॉइंट ए को क्या करना, मल्टीप्लाई करना है जी, बिल्कुल आप मल्टीप्लाई करिए, ध्यान दीजिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिए, तो अब लिखिए यहाँ पर इक्वल टू क्या होगा, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, समझ रहे हैं, ए थ्री वन, ए थ्री टू एंड ए थ्री थ्री,
देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, इसको लेना हमने, तो ए वन वन, ए टू वन, ए थ्री वन, ठीक है, और यहाँ पर ए वन टू, ए टू टू, ए थ्री टू, फिर यहाँ पर ए वन थ्री, ए टू थ्री और ए थ्री थ्री, है ना, ये आप इस तरह से इसको बंद कर दीजिए, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, आप समझ रहे हैं। देखिए सारे एलिमेंट्स को तो मल्टीप्लाई करके नहीं, मैं कुछ एलिमेंट को भी मल्टीप्लाई कर दिखाऊंगा और आपको इतने में समझ आ जाएगा, इतने में रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट क्या आएगा आप वो देखिए आपके सामने है, रिजल्ट क्या आएगा देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब इसको R1 को C1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो देखिए हमारे सामने, और वो क्या होता है आप देखिए, A11 को A11 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, यानी A11 एलिमेंट है और A11 क्या है, कोफैक्टर है, तो क्या होगा A11 प्लस A12 को जिस से मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा A12 एंड कोफैक्टर 12 प्लस, ध्यान दीजिएगा A13 को 13 से, यानी A13 और ये 13, समझ रहे हैं, है ना। अभी हमने एक एलिमेंट को हमने सिर्फ मल्टीप्लाई किया है, मतलब R1 को C1 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, ये यानी एक एलिमेंट बना अभी, और थर्ड जो सेकंड जो एलिमेंट बनेगा, अब R1 को हम C2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं यहाँ से लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा एक बार, यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ पर यहाँ से लिखूँगा मैं, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, A11 को हमने मल्टीप्लाई करना है किससे, A21 से, ध्यान दीजिएगा A11 A21 प्लस A12 को जिससे, तो A12 और A22 A22 प्लस, ध्यान दीजिएगा 13 A13 को मल्टीप्लाई करना किससे, A23 से, A23, समझ रहे हैं ना, है ना। और मैं नेक्स्ट चलता हूँ, अब जो थर्ड एलिमेंट आएगा यानी C3 से मल्टीप्लाई करना है, वो मैं यहाँ से यहाँ स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से ध्यान दीजिए, हैं, तो क्या होगा A11 और A31, तो A11 और ये को फैक्टर जो 31, समझ रहे, फिर प्लस A12 एंड कहाँ A32 प्लस A13 और ये A33, समझ रहे, इस तरह से भी आएगा, है ना, नीचे भी आएगा ऐसे, समझ रहे आप। तो देखो अभी हमने जो मल्टीप्लाई किया है सिर्फ R1 को C1 से, C2 से एंड C3 से मल्टीप्लाई किया है, अभी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन जो बच रहा है आपका R2 को भी तीनों से मल्टीप्लाई करना है और R3 को भी तीनों से मल्टीप्लाई करना है, तो वो भी ऐसी ही लंबी लंबी आएगी, है ना। तो मैं सारे मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, जो एलिमेंट आना है मैं नहीं करूँगा, सिर्फ देखिए बता रहा हूँ, आप समझ जाओगे कैसे क्या होना है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि A11 एलिमेंट है तो कोफैक्टर भी A11 है, A12 एलिमेंट है तो कोफैक्टर भी A12 है, A13 एलिमेंट है तो कोफैक्टर भी 13 है, यानी इसमें सेम है। और आप यही तो जानते हैं, यही जानते हैं कि जो आपका डिटरमिनेंट होता है वो आपका ये दोनों एलिमेंट और कोफैक्टर का जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मैं इस बात को अभी लिखूँगा नेक्स्ट पेज पर अभी, तो ये जब सेम होते क्या हो गया, ये आपका डिटरमिनेंट हो गया, यानी ये डेल्टा हो गया, यानी इसको डिटरमिनेंट ये कह सकते हैं, है ना। लेकिन जो सेकंड एलिमेंट है देखिए 1 1 2 1 डिफरेंट हो गया, डिफरेंट वाले क्या जीरो थे, यहाँ 1 2 यहाँ 2 2 है, यहाँ 1 3 था 2 2 2 3, यानी ये एलिमेंट सेकंड एलिमेंट जीरो और यहाँ भी 1 1 3 1 यहाँ डिफरेंट है, ये भी जीरो, यानी जो फर्स्ट आएगा R1 1 0 0, तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसी आपका R2 भी आएगा 0 1 0 एंड R3 आएगा 0 0 1, बिल्कुल आएगा जी। तो आइए इसके लिए मैं जो हम बात जानते हैं हम लोग लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। वी नो डैट डेल्टा यानी डिटरमिनेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ क्या द एलिमेंट, है ना, एलिमेंट ऑफ रो और
कॉलम विद क्या देयर कोरस्पोंडिंग को फैक्टर्स ध्यान दीजिए, अदरवाइज कि अगर ये ऐसा नहीं हुआ कैसा, तो आपका सेम एलिमेंट और का प्रोडक्ट और कोफैक्टर्स का अगर ये सम नहीं हुआ तो अदरवाइज क्या होगा जी, आपका डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, आपका डेल्टा इक्वल टू जो होगा क्या होगा, जीरो होगा। आपने देखा कि जो पीछे में जो डिफरेंट था वो क्या होगा, आंसर जीरो हो गया। इसलिए इसका क्या हो जाएगा कि क्योंकि हमने पता है डेल्टा, यहाँ पर हम डेल्टा को हम क्या ले रहे हैं, ए सिंबल ले रहे हैं, क्योंकि आप सिंबल जानते हैं, स्टार्टिंग में आप पढ़ चुके हो। तो हमारे पास क्या हो गया कि ए इंटू एडजॉइंट ए, हमारे पास जो आ चुका है वो क्या आया है, तो ए जीरो 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 डिटरमेंट ए जीरो 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 डिटरमेंट ए जीरो, है ना, ये हमारे पास आ चुका है, ध्यान दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे हम कि देख रहे हैं आप ये भी मैट्रिक्स है ना, तो ये जो आपका डिटरमेंट ए है यहाँ से आप बाहर निकालिए, यहाँ से बाहर निकालेंगे हम। ठीक है, तो बाहर जब निकालेंगे तो आपको डिटरमेंट में आपको पता है कि जब किसी एक कॉन्स्टेंट से, किसी एक स्केलर से जब मल्टीप्लाई होता है तो पूरे ही एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन डिटरमेंट में ऐसा नहीं होता। तो इसलिए जब बाहर निकालोगे तो कोई एक ही बाहर निकलेगा यहाँ से, मतलब ऐसा नहीं कि तीन, मतलब आर वन से आर टू से आर थ्री से नहीं फाइंड निकलना है यहाँ पर। तो टेकिंग कॉमन लिख सकते हो, अगर नहीं भी लिखते हैं तो हमारे पास क्या आ गया है कि ये बाहर आ गया है। तो क्या बचा यहाँ पर, वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, आप देख रहे हैं ये हमारे पास आ गया। तो इसको क्या कहते हो आप, आई कहते हो ना, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना जी, तो ये आ चुका है आपका, आई आ चुका है, आप देख रहे हैं कि ये चीज़ जो हमारे पास है आ चुका है, और यही तो हमने लाना था, यही हमने प्रूव करना था, है ना, ये आपका प्रूफ हो चुका है, आप हैंड्स प्रूफ लिखिए यहाँ पर, ये प्रूफ हो चुका है। और जो सेकंड आपका है इसी तरह से बिल्कुल सिमिलरली आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, वो आप नेक्स्ट पेपर लिखता हूँ, देखिए यहाँ पर कि आपका जो आप जो नेक्स्ट आपको प्रूफ करना है आप सिमिलरली आप उसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं कि एडजॉइंट ए इक्वल टू आई डिटरमिनेंट ए आई, उसको भी सेम जैसे अभी प्रूफ किया मैंने प्री वाला, ये पोस्ट वाले भी प्रूफ कर सकते हैं। तो देयरफॉर यहाँ अब मैं लिख दूंगा कि हमारा ये प्रूफ हो चुका है, हेंस क्या है आपका प्रूव हो चुका है क्या, तो एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए और ए, ये हमारा प्रूफ हो चुका है जी। ठीक है, आप देखिए आपके सामने मैंने अभी प्रूफ किया इस थ्योरम को, अब नेक्स्ट से हमारा जो टॉपिक है वो देखिए आइए हमारे सामने, आपको कंटिन्यू रहिए। इस बात को हमने आपको याद रखना है, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स छोटी सी बात है बट बहुत बड़ी बात है। ये छोटी सी बात अगर याद नहीं रहती है ये तो हमारे लिए एग्जाम्स में बहुत बड़ी बात बनती है, इसलिए याद रखिए इसको, वो ध्यान दीजिए। सिंगुलर है ना, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो बहुत छोटी सी बात क्या है, इफ डिटरमिनेंट ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। अगर हम डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हैं किसी मैट्रिक्स का और अगर वो जीरो आ गया है तो उसे हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, समझ रहे हैं पर, और जब सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो हम यही लिख देते हैं यहाँ पर कि इट डज नॉट एग्जिस्ट क्या, इन्वर्स ऑफ क्या,
मैट्रिक्स यानी ये इनवर्स, इसको इनवर्स कहते हैं, ये आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, चलिए आइए सेकंड हम बात याद रखेंगे, क्या रखना है हमने बात उसको, तो ये देखिए ये फर्स्ट पॉइंट था और सेकंड पॉइंट देखिए, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जी क्या होता है, इफ डिटरमिनेंट ए इक्वल डज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो ना आए डिटरमिनेंट, कुछ भी आ जाए माइनस प्लस वन टू थ्री एनीथिंग, या फ्रैक्शन में या पॉइंट कुछ एनीथिंग, फ्रैक्शन में पॉइंट लिखी बात है, तो अब क्या होता है यहाँ पर कि वो आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स उसे कहते हैं। अब इसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने जा रहा हूँ, वो आप देखिए ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल लीजिए कि हम लेट कर लेते हैं, ये लेट करते हैं कि हमारे पास ये है क्या है जी, तो 4, 2, 6 and 3 है, ये आपका मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ठीक है ना, आप इसे सॉल्व करिए ना, तो 4, 3 क्या होता है 12 होता है, और -4, 2 क्या होता है 12, यस जीरो आ गया, जब जीरो आ गया डिटरमिनेंट, ये आपका डिटरमिनेंट आपको जीरो आ गया है ये चीज़, तो इसका मतलब क्या है कि ये सिंगुलर है, यानी ये इज क्या है सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी ये इसका हम इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, ये इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा कि ये इनवर्स क्या होगा डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, हमने इस तरह से पता करेंगे और यहाँ फाइंड कर लेंगे कि ये यहाँ पर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और मैं आपको याद दिला देता हूँ कि जो हमारे पीछे वीडियो मैट्रिक्स में अगर आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर, कि जब मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनवर्स फाइंड करना बताया था आपको, तो वहाँ पर भी मैंने ये तरीका बताया था कि इस तरह से डिटरमिनेंट यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड करिए, अगर वो हाँ लेकिन 2 क्रॉस 2 में जल्दी फाइंड होता है, 3 क्रॉस 3 का थोड़ा सा टफ है, अलग है ना, तो उसमें फाइंड करिए, अगर जीरो आता है, जीरो आता है तो उसका इनवर्स फाइंड नहीं होगा, आप 2-3 स्टेप लेकर आप दिखा दीजिएगा, आपका पेपर में क्वेश्चन क्या कंप्लीट होगा, आगे वो अपने आप स्टेप नहीं जाएगा, वहाँ लिख देना क्योंकि आपको पहले पता लग गया कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसलिए आपको दिखा देना कि एग्जिस्ट नहीं करेगा। आइए सेकेंड एग्जाम्पल लेके, फर्स्ट एग्जाम्पल था, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, आइए लेट यहाँ भी मैं ए ले लिया, तो मान लीजिए 1 जो डिटरमिनेंट है 1, 3 और यहाँ 4 है, चलो सपोर्टेड 4 कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो आप अपने आपको दिक्कत नहीं है, हमने 2+2 का लेना अभी फिलहाल, तो ये डिटरमिनेंट फाइंड करिए 4 और 4 माइनस कितना होगा 12, आप देख रहे हैं आंसर कितना आ गया -8 आ गया जी, ये जो आपका -8 आया है नॉट इक्वल टू क्या है डज नॉट इक्वल टू जीरो, डैट मीन्स कि ये आपका क्या हो गया नॉन, क्या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, यानी इसका आपका ये इनवर्स यानी आपका एग्जिस्ट करेगा, है ना, ठीक है, आपका ये इनवर्स क्या है एग्जिस्ट करेगा, समझ गया पर, तो मैंने आपको अभी सिंगुलर और नॉन सिंगुलर आपको मैंने समझाया है कि क्या होता है। अब अगला नेक्स्ट थ्योरम हम आपके पास ला रहे हैं, देखिए यहाँ पर थ्योरम नंबर टू आइए देखिए यहाँ पर क्या है, ये ध्यान दीजिए, तो इसमें क्या है कि इफ 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ए एंड क्या बी ऑफ सेम ऑर्डर, यानी दोनों का क्या होना चाहिए ऑर्डर सेम, होने ए और बी का सेम ऑर्डर होना चाहिए, देन क्या होता है देन ए बी एंड बी ए, समझ रहे हैं पर, है ना, ये जो आपका है ये ए बी है ये, और ये क्या है बी ए, है ना, ये क्या होगा विल ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेज ऑफ क्या होगा
सेम ऑर्डर जी आपका, ये कहने मतलब क्या है कि ए और बी दो मैट्रिक्स आपका नॉन सिंगुलर है, ठीक है ना, तो उनका प्रोडक्ट ए बी या जो बी होगा वो भी नॉन सिंगुलर ही होगा और सेम ऑर्डर का होगा। बस इसमें यही देना हमने, ये आपका थ्योरम है, इस बात को सिर्फ हमने याद रखना है, कोई बड़ा बात है नहीं, कुछ बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है, सिर्फ इसको हमने याद रखना है और कुछ नहीं इसमें, ठीक है, ज़्यादा इसका कहीं ऐसा। थ्योरम नंबर क्या है, 3, ध्यान दीजिए यहाँ पर, डिटरमिनेंट ऑफ, ध्यान दीजिए यहाँ पर, डिटरमिनेंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ क्या, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिसेज, ध्यान दीजिए आपका यहाँ पर है कि डिटरमिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेज, यानी दो मैट्रिस या तीन मैट्रिस अगर है उनका प्रोडक्ट करके डिटरमिनेंट निकालिए तो क्या इक्वल होगा, क्या तो अलग अलग उसको डिटरमिनेंट निकालेंगे उसके प्रोडक्ट का इक्वल होगा, वो क्या होगा वो ध्यान दीजिए, यानी ए बी प्रोडक्ट है इसका डिटरमिनेंट आप जब निकालेंगे तो ये आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ क्या बी जी, ये इक्वल होगा, ये हमने याद रखना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ए और बी का ऑर्डर क्या यहाँ पर सेम है, तो ये आपको यहाँ कि ए एंड बी ऑफ सेम ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या है ये सेम है, ठीक है, ये बात हमने याद रखना है, ऑर्डर अगर डिफरेंट रहेगा तो ये आपका थ्योरम प्रूफ नहीं होगा, ठीक है। चलिए हमने थ्योरम थर्ड बताया है और इसके लिए आइए आगे कुछ इंपॉर्टेंट जो बात है वो बताने जा रहा है आपको, ये आप नोट्स में आप उसको फॉलो करिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसमें क्या है कि इफ अ स्क्वेयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, और जो मैं अभी बता रहा हूँ नोट्स में ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका, एक नंबर का एमसीक्यू में भी आता है ऑब्जेक्टिव, और आगे चार नंबर्स का भी इसमें क्वेश्चन आते हैं, वो ध्यान रखिए, बहुत छोटी सी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मैंने कहा कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और ऑर्डर उसका मान लीजिए एन है, क्या है जी ऑर्डर उसका, क्या है ऑर्डर उसका एन है, ध्यान दीजिए ये एन ऑर्डर है ये, ठीक है, देन होगा ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए, समझ रहे कि डिटरमिनेंट या एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना है, इक्वल टू क्या आंसर आएगा तो एन माइनस वन, और एन आप जानते हैं क्या है, एन क्या है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, तो जो ऑर्डर होगा उसका एन माइनस वन, मान लीजिए 3 ऑर्डर है तो 3 माइनस वन यानी 2, अगर 2 होगा तो 2 माइनस वन यानी क्या 1, है ना, तो ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और गारंटी के साथ है ये 100% मैं कह रहा हूँ कि इस पर आपको एक नंबर का क्वेश्चन तो आना है, चाहे कोई भी आपका पेपर हो, आपका CBSE हो या बिहार बोर्ड हो या एनी अदर बोर्ड, सब में एक नंबर का एक जरूर आता है, बाकी 4 मार्क्स जो होते हैं 6 मार्क्स होते हैं उनमें तो यूज है ही इसका, ठीक है। अब मैं अभी इस चीज़ को आपके सामने ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये कैसे प्रूफ होता है, ये कैसे होता है, ये हो रहा है नहीं हो रहा है, आपके सामने मैं प्रूफ कर रहा हूँ और मैं प्रूफ नेक्स्ट पेज पर कर रहा हूँ क्योंकि फिर हमें पलटना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट आइए इसका प्रूफ देखते हैं हम क्या होता है प्रूफ, ध्यान दीजिए, वी नो डैट एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आप जानते हैं इस चीज़ को पीछे हम अभी जस्ट प्रूफ करके आए हैं कुछ देर पहले, है ना, तो ध्यान दीजिए क्या होता है यहाँ पर, आप इक्वल टू भी जानते हैं क्या होता है इक्वल टू, मैं यहाँ लिखता हूँ ध्यान दीजिए कि ये डिटरमिनेंट 0 0 0
डिटरमिनेंट ए जीरो 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 एंड डिटरमिनेंट ए है ना, पीछे हमने प्रूव किया था, रिजल्ट हमारा ही तो आया था रिजल्ट है ना, उसी चीज़ को मैंने यहाँ लिखा है यहाँ पर है ना। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ लिख दूँ मैं क्या लिखता हूँ कि प्रूव्ड क्या है ये, प्रूव्ड कहाँ पर है, एबव, एबव क्या है ये, प्रूव है ना, प्रूव्ड है। ओके चलिए ध्यान दीजिए, अब इसमें मैं क्या करूँगा, बहुत छोटी सी प्रूफ है, बहुत आसान है, कोई भी आपसे कोई कह जाएगा, किसी ने कह दिया, आप मेरी वीडियो से देखिए और इसको आपको पता लग जाएगा क्या करना है। टेक, टेक क्या, डिटरमिनेंट क्या, टेक डिटरमिनेंट बोथ साइड्स, हमने इधर भी है ना और इधर भी डिटरमिनेंट लेना है, लेकिन आपको बता दूं कि ये अभी क्या है, मैट्रिक्स है, क्योंकि हमने पीछे जो प्रूव किया था ये मैट्रिक्स था, अब डिटरमिनेंट लूँगा है ना, आपके सामने लेना है। देखिए ध्यान दीजिए, तो क्या होगा, एडजॉइंट, एडजॉइंट ए, ओके ऐसे, और यहाँ भी इस मैट्रिक्स को हटा देना है, हमने क्या लेना है, डिटरमिनेंट लेना है, जीरो 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 और ये इस तरह से जीरो 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 और इस तरह से क्या, जीरो, ये ध्यान दीजिए ये डिटरमिनेंट हो गया। अब पता है आपको, क्योंकि डिटरमिनेंट है क्या, डिटरमिनेंट तो ही तो है कि जो मैट्रिक्स है उसी को डिटरमाइन करिए, उसकी वैल्यू फाइंड करिए, उसका सिंबल सिर्फ ऐसे हो जाएगा, अलग हो जाएगा मोड में है ना, तो डिटरमिनेंट हो गया। ओके समझ लें यहाँ पर, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या होना है, आगे में क्या होना है, देखिए यहाँ पर क्या होना है, तो अब इसको आप अलग कर सकते हैं कैसे, तो एडजॉइंट ए और मल्टीप्लाई में क्या, आपका डिटरमिनेंट ए है ना, आपकी प्रॉपर्टी जहाँ पढ़ा था, और यहाँ पर तो ही रिपीट हो जाएगा, यहाँ तो कुछ करना नहीं हमने, तो डिटरमिनेंट ए जीरो जीरो जीरो, डिटरमिनेंट ए जीरो जीरो जीरो, डिटरमिनेंट ए, ठीक है ये हो गया। और यहाँ प्रॉपर्टीज क्या था, तो मैं लिख दूँ कि अभी अभी आपने, मैंने थ्योरम बताया था आपको कि जब ए बी का डिटरमिनेंट है तो आपको डिटरमिनेंट ए और बी डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, तो इस प्रॉपर्टी से मैंने इसको अलग कर दिया ठीक है। और आइए नेक्स्ट पेज पर आइए, क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या होता है, अब मैं, आप देख रहे हैं कि उसमें ए जो प्रिंसिपल डायगोनल था वहाँ पर डिटरमिनेंट ए था, उसको हमने कॉमन ले लेना है, लेकिन आप जानते हैं कि डिटरमिनेंट में कॉमन लेना R1 R2 R3 या C1 C2 C3 से अलग अलग लेना होता है जी, तो आप या तो रो से लीजिए या कॉलम से लीजिए, बात क्या है सेम है, तो मैं यहाँ लिखूँगा क्या, टेकिंग डिटरमिनेंट ए कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड क्या R3 है ना, इन कहाँ, तो राइट हैंड साइड में लिया हमने, ठीक है जी। तो आइए क्या होता है अब आगे में, एडजॉइंट ए, समझ रहे यहाँ पर, और डिटरमिनेंट ए इक्वल टू, जब R1 R2 R3 से ले रहे हैं, तीनों रो से ले रहे हैं, तो आपका तीन डिटरमिनेंट ए आता है, तो तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका हो जाएगा ये Power 3 हो जाएगा, समझ रहे हैं पर, Power 3 हो गया। और अब क्या बचेगा, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, यस ये क्या हुआ, आई हुआ, क्या बचा, आई। अब क्या होगा यहाँ पर, वो ध्यान दीजिए, अब जब यहाँ पर एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट रहने दो यहीं पर, और इस डिटरमिनेंट ए को यहाँ लाइए, डिवाइड करिए, यानी एक कट कर दीजिए, ये लीजिए एक हमने कट कर दिया, समझ रहे हैं, तो क्या बचेगा, अब कट करने के बाद जो बच्चा है हमारे पास वो स्क्वेयर बच्चा, और ये क्या है, आई है, आई क्या है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आगे क्या हो गया, एडजॉइंट ए, ध्यान दीजिए यहाँ भी ये है, ए का जो डिटरमिनेंट है वो क्या आया हमारे पास, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि आई से जब ए को मल्टीप्लाई ए होता है, तो यहाँ भी ए स्क्वायर है डिटरमिनेंट का, तो ये आएगा। तो आप देखने दें कि ये आपके पास क्या हो चुका है, ये प्रूव हो चुका है कि हमने ऑर्डर, हमने आपको पता है ऊपर से ऑर्डर हमने 3 लेकर चला था, और यहाँ क्या हुआ 3-1 है ना, तो ये प्रूफ हो गया आपका कि आपका एडजॉइंट ए क्या होगा, डिटरमिनेंट ए
एन माइनस क्या हो गया वन जी, यही हमने प्रूफ करना था और ये हमारा ये प्रूफ हो चुका है। देख रहे हैं छोटी सी प्रूफ थी, हमने यहाँ प्रूफ कर दिया आपके सामने, ठीक है प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ हो गया। बट मैं कह रहा हूँ कि ये प्रूफ तो आपको आना चाहिए, बट किसी को अगर नहीं भी आता है तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये थ्योरम याद होना चाहिए। और प्रूफ करने से होता क्या है, प्रूफ करने से होता है कि किसी भी थ्योरम का आप जब प्रूफ जानते हैं, प्रूफ कर लेंगे, तो वो थ्योरम कभी भी आप भूल नहीं सकते। और ऐसे याद करने से क्या होता है कि कभी भी आप कन्फ्यूज कर जाओगे, कब जब क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगी, आप वहाँ भूल जाओगे। इसलिए आप प्रूफ को भी अच्छी तरह देखिए, छोटा सा प्रूफ था ये हो जाएगा, ठीक है। मैं थ्योरम नंबर 4 चलता हूँ, वो देखिए। चलिए ये थ्योरम 4 और इस टॉपिक का लास्ट थ्योरम है, ये हमारा छोटा थ्योरम है, ये हमने पहले भी बताया आपको, लेकिन क्या यहाँ पर है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स डज एग्जिस्ट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। दैट मीन्स कि क्या है कि आपका जो नॉन सिंगुलर है वो इनवर्स एग्जिस्ट करता है, आप पहले जानते हो, ये इनवर्स उससे फाइंड हो जाता है जब सिंगुलर, सिंगुलर क्या होता है तो जिसका डिटरमिनेंट जीरो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता, बट नॉन सिंगुलर जिसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होता है वो एग्जिस्ट करता है। छोटी सी बात है, आइए देखिए। चलिए हमने लिया, हमने कि हमने लेट कर दिया कि मान लीजिए कि ये इज क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ध्यान दीजिए ऑर्डर हमारा क्या है जी, ये एन ऑर्डर है, ठीक है। और एंड आई है ना, ये हमारा जो आई है, ध्यान दीजिए आई इज आइडेंटिकल मैट्रिक्स, यानी आइडेंटिटी कैसे, तो आइडेंटिटी है, आइडेंटिकल नहीं, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर के यहाँ पर है एन, सेम ऑर्डर वही होगा जो ऊपर था एन, वही एन यहाँ भी होगा, सच डेट, क्या है पर सच डेट, तो ए बी इक्वल टू बी ए और इक्वल टू क्या होता है आई, बिल्कुल। आपको मैं बता दूं, आपको मैं बता दूं कि आपको जब मैंने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सिखाया था, मल्टीप्लिकेशन बताया था, मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लाई करना बताया था, तो वहाँ पर मैंने ए बी बताया था कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, बट ए बी इक्वल टू बी ए देन इक्वल टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जी। तो वही बात यहाँ आप पढ़ रहे हो अभी, ठीक है। चलिए अब मैं थोड़ा सा इसको देखता हूँ आगे कि क्या है ये, तो इसको याद रखना है, ध्यान रखना है आपको, नाउ ए बी इक्वल टू क्या है आई है, तो आप डिटरमिनेंट लीजिए बोथ साइड, तो ए बी को डिटरमिनेंट यानी यहाँ भी आई का डिटरमिनेंट, तो यहाँ इसको अलग कर सकते हैं हम, आपको पता है प्रॉपर्टी आपने पढ़ा भी, और ये बी भी अलग हो गया, ठीक है, इसका तो वन हो जाएगा, आपको पता है ना, और हमने प्रॉपर्टीज क्या पढ़ा था वो ध्यान दीजिए कि जब आपका ए बी का मो डिटरमिनेंट है तो क्या होता है, ए आपका अलग हो जाता है इस तरह से, है ना, वो आपने पढ़ा है पीछे, ठीक है। अच्छा अब ध्यान दीजिए कि जब डिटरमिनेंट ए मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट बी इक्वल टू वन है, तो पक्की बात है यहाँ पर कि डिटरमिनेंट ए तो जीरो नहीं होगा, हालांकि बी भी जीरो नहीं होगा, है ना, तो आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू क्या जीरो, तो जब जीरो नहीं है तो हमने पता लग गया कि ये तो है आपका नॉन सिंगुलर है ही, है ना, समझ रहे हैं पर, ओके। अब इसका मैं कन्वर्ज लेके आता हूँ आगे, देखिए यहाँ आइए, कन्वर्ज क्या होता है कि अब यहाँ उल्टा लेट करिए कि ये इज क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो ए यानी नॉट इक्वल टू जीरो, ओके। नाउ क्या होगा यहाँ पर, ध्यान दीजिए यहाँ पर ए
मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई ए इक्वल टू क्या होता है तो आप जानते हो डिटरमिनेंट ए एंड मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये पीछे पढ़ के आ चुके आप है ना। तो क्या होगा ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए इस ए को इस तरफ लगाइए लेफ्ट में, तो यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा और यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा, होगा ना जी। तो क्या बचेगा ए, ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा कि वन अपॉन डिटरमिनेंट ए और ए एडजॉइंट ए, ये हुआ ना इक्वल टू यहाँ भी होगा यहाँ पर पहले डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो आइए ध्यान दीजिए यहाँ पर, यहाँ भी हम करेंगे तो वन अपॉन में ऐसा ठीक है ओके, और यहाँ पर एडजॉइंट ए, और फिर आगे में क्या है आपका कि बाहर में मल्टीप्लाई क्या है ए है, यहाँ पहले मल्टीप्लाई था यहाँ बाहर मल्टीप्लाई इक्वल टू क्या बचा आई बचा। तो आप देख रहे हैं ये तो आपका ए बी ए आ गया, और ये जो आपका है ये यहाँ पर ये पूरा ब्रैकेट को हम क्या कह दिया हमने बी कह दिया जी। तो इक्वल टू यहाँ पर क्या हो रहा है बी पहले, ये बी क्या है पहले, ये पूरा ब्रैकेट क्या है बी है और ये क्या हो गया ए हो गया, तो ए इक्वल टू क्या है जी आई। आपने देखा कि हमारे पास यही तो लाना था, ये हमारे पास प्रूफ हो चुका है ना, इसको हमने लेकर चला और ये हमारा प्रूफ हो चुका है जो अभी अभी मैंने थ्योरम फोर्थ में लिखा था हमने है ना, वो प्रूफ हो चुका है। तो आप देखिए देख रहे हैं यहाँ पर ये बी क्या है, बी क्या लिखा आपने, बी लिखा है कि वन बाई डिटरमिनेंट ए इंटू में एडजॉइंट ए, ए लिखा ना आपने, तो इस ये जब ऊपर लेकर जाओगे ध्यान दीजिए यहाँ पर हाँ जी, तो ये एडजॉइंट ए यानी बी ए है ना, समझे बी क्या ए है, तो यानी ये जहाँ भी यहाँ है या यहाँ पर है तो इसे हमें यह है तो ये है क्या, यानी इसका मतलब ये हो गया कि जो ए इन्वर्स फाइंड हुआ है, जो ए इन्वर्स है ए इन्वर्स का फॉर्मूला बन गया ये, क्योंकि इसका मतलब क्या है ए बी इक्वल टू बी है इक्वल टू आई, यानी ए एंड बी बोथ आर इन्वर्टिबल, इसका मतलब ये होता है पीछे पढ़ कर चुके हो कि बोथ आर इन्वर्टिबल यानी एक दूसरे का क्या है इन्वर्स है। तो हम यह कह सकते हैं कि ए इन्वर्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनना आपका वन अपॉन में डिटरमिनेंट ए और मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ए, ये बना ना आप समझ रहे हैं पर है ना। तो ये आपका इन्वर्स का फॉर्मूला बन गया, और यहाँ आप कह सकते हो याद रखना इस बात को कि ए ए एंड बी बोथ आर इनवर्टिबल टू ईच अदर, समझ रहे हैं पर इस बात को भी याद रखना आपको कि ये एक दूसरे का इन्वर्स होता है, और ए इन्वर्स का फॉर्मूला आपके सामने बना है ए इन्वर्स इक्वल टू वन अपॉन यानी एडजॉइंट अपॉन में डिटरमिनेंट ए, या बी निकालना है तो बी इन्वर्स इक्वल टू सेम ऐसे ही एडजॉइंट अपॉन में डिटरमिनेंट बी, ठीक है। तो ये आपके सामने मैं फॉर्मूला आपको ड्राइव करके दिखाया, और ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई को प्रूफ करके दिखाया मैंने, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए, और मैं इसके नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा इस पर कितने टाइप्स से इस एक्सरसाइज में 4.5 में या जो मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया आपको इस पर कितने टाइप्स से कितने तरह के आपके क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में कैसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको कराऊंगा, और जो 4.5 का जो टफ होगा क्वेश्चन जो आपसे नहीं होगा या किस तरह से करे जाएंगे वो आपको मैं बताऊँगा, वो आप देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।